हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी कि पीईबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्र लेखन तथा अन्य सीडी पदों के लिए भर्ती होगी। इस वैकेंसी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब लास्ट डेट है और एग्जाम कब होगा। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो फॉर्म भरने की डेट है ये शुरू हो रही है 6/3/2023 से, यानी कि 6 मार्च से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और फॉर्म की जो अंतिम तिथि होगी, अंतिम तिथि होगी 20/3, यानी कि 20 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहीं पर अगर संशोधन, यदि आपने गलत कुछ डिटेल डाल दी है, उसको संशोधन करने की डेट जो होगी 6/3 से ही शुरू होगी और ये 25/3, यानी कि जब आपका लास्ट डेट भरने की होगी उससे 5 दिन और टाइम दिया जाएगा कि आप उसमें संशोधन कर लें। और यही परीक्षा की डेट भी दे दी, एग्जाम की डेट इसने पहले ही दे दी है और डेट है 5/8/2023 से प्रारंभ होगा। 5/8/2023 से शनिवार से प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा ये फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म भरेंगे, उसी के हिसाब से शिफ्टों को डिवाइड किया जाता है। तो देखिए यहाँ पास शुल्क के बारे में किया है कि फॉर्म में कितनी फीस लगेगी। तो जर्नल जो होगा यू आर और ई डब्ल्यू एस, यहाँ पास देखिए EWS का कोई जिक्र नहीं दिया, तो उसका यहाँ पास फीस होगी ₹500। यही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंड OBC और इसी के साथ निःशक्त जन अभ्यर्थी जो विकलांग है उनको मिलेगा ₹250 का फॉर्म, सॉरी उनको फॉर्म की फीस होगी ₹250। और यहाँ पर देखिए सीधी बैकलॉग पदों के लिए, जो बैकलॉग पिछले वर्षों के जो पद है उसके लिए जो कोई भी शुल्क नहीं होगी। बैकलॉग का तो मतलब समझ ही रहे होंगे कि पिछले साल जो कैटेगरी में पद होते हैं, मान लीजिए OBC है, SC ST है, उस जिस साल वैकेंसी है उस साल वो पद भर नहीं पाए तो वो उसी कैटेगरी के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं। जब नेक्स्ट बार जो फॉर्म आएगा तो वो उसी कैटेगरी के लिए ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये बैकलॉग की वैकेंसी होती है। ठीक है, नीचे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ₹60 आपको एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि ₹250 फी में और ₹60 आपको चार्ज लगता है, यानी कि ओबीसी के लिए मान लो ₹310 हो जाएगा, वही जो अपना जनरल के बच्चे होंगे उनके लिए ₹560 की ये फी हो जाएगी। देखिए यहाँ पास है परीक्षा दिनांक, देखिए परीक्षा दिनांक तो यही दे दिया था, तो यही हो गया 5/8/2023 से दो पालियों में होगा। प्रथम पाली जो होगी एग्जाम की वो 7 से 8 बजे तक अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग करना है और इसके जो यानी कि निर्देश पढ़ने का जो समय होगा 10 मिनट का दिया जाएगा। और जो आपको पेपर देना है कि पेपर जो मिलेगा 9 से 11, 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। दूसरी पाली में जो होगा देखिए 3 से 5 पेपर होगा, रिपोर्टिंग टाइम जो 1 से 2 है सेम उसी तरह है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पास समूह 4 की भर्ती है, यह पहले ही देख लिए हैं, जिसमें सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोटाइपिस्ट है, शीघ्र लेखक और अन्य पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग दोनों है। ये तृतीय श्रेणी में आता है। देन इसके बारे में देखिए बात करेंगे, क्वेश्चन देखो पेपर जो होगा इसमें 100 अंक का टोटल होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर एंड सामान्य अभिरुचि, ये सारे यानी कि 6 सब्जेक्ट हैं आएंगे और जिनका कुल टोटल नंबर होंगे 100 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इन 6 सब्जेक्ट को मिला के सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम एज क्राइटेरिया क्या क्या है अभ्यर्थी के लिए, जो एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या है। तो देखिए भर्ती का तरीका, लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है। न्यूनतम आयु की बात करेंगे कि देखिए जो नॉर्मल सीधी भर्ती होगी जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, उनकी एज जो होगी 18 से 40 वर्ष तक होगी। यहीं पास जो मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं जो एक आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए एज में कुछ छूट दी गई है और वो 5 साल की छूट। किन किन को दी गई, देखो अनुसूचित जनजाति को है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को है, नगर सैनिक है, ठीक है, स्वास्थ्य,
संस्था के कर्मचारी, स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी है, निःशक्त जन है, महिलाओं है, अरक्षित आदि के लिए ये सब है। ठीक है, 5 साल की छूट यानी कि 45 साल हो जाएगी। यही देखिए आरक्षण के बारे में दिया है कि आरक्षण किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पास अनुसूचित जनजाति के लिए 20% का आरक्षण का प्रावधान है, अनुसूचित जाति के लिए 16% का आरक्षण का प्रावधान है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% दिया गया है, और EWS जो जनरल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए 10% का आरक्षण है। परंतु देखिए यहाँ परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए भर्ती के बारे में जान ले कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पास सीधी भर्ती की बात करेंगे तो सीधी भर्ती जो है 1840 है, जो सीधी भर्ती वो 1840 है, जिसमें जो अनारक्षित है 506 है, EWS वर्ग के लिए 204 है, और अनुसूचित जाति के लिए 242 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 440 है, और यही OBC के लिए 448 है। ये सीधी बैकलॉग भर्ती की बात करेंगे, जो बैकलॉग भर्ती सीधी है उसमें 10 पद होंगे अनारक्षित के, EWS के लिए पता नहीं बैकलॉग में क्यों दिया हुआ है, चलिए हो गया दिया होगा क्योंकि EWS शायद आया तो अगर पेपर हुआ होगा, जब EWS रिजर्वेशन आया था उस समय अगर पेपर हुआ होगा तो दे सकता है, अगर नहीं हुआ हो रहा होगा उस समय जैसे पिछली वैकेंसी में अगर EWS का आरक्षण लागू रहा होगा तो वहां पास बैकलॉग भर्ती हो सकती है, अगर नहीं हुआ होगा तो इसमें करेक्शन करके कर देगा जो भी करना होगा। देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 107 बैकलॉग पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 367, OBC के लिए 45 बैकलॉग पद है, टोटल 530 जो बैकलॉग पद। यही देखिए संविदा कर्मचारी के लिए भी पद रखे गए हैं, 243 है, तो ये आप जनरल, EWS, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग देख सकते हैं। संविदा कर्मचारियों की भी बैकलॉग की है, कुल टोटल है यहाँ 103। देखिए यहाँ पास अनारक्षित के लिए 0 है, EWS के लिए 0 होंगे, देखिए यहाँ 0 है ना EWS के लिए, देखिए कुछ दिक्कत होगी, शायद कुछ करेक्शन करना होगा, करके अगली बार दे देगा दोबारा जब जारी करेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए संविदा बैकलॉग के लिए 37 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए संविदा बैकलॉग पद 42 है, और यही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC जो होता है उसके लिए 24 पद है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कुल पद जो है 2716 पद हो रहे हैं। ठीक है, टोटल पद हो गए 2716। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ पास पद नाम दिया है कि कौन कौन से आपके जो वैकेंसी हैं उनके पद का नाम दिया हुआ, और यहाँ पास वैकेंसी टोटल दिया हुआ। तो ये सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है 1782 दी हुई है, किस पे, सहायक वर्ग Grade 3 कार्यालय, सहायक डेटा एंट्री, IT, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोडिंग रिकॉर्ड क्लर्क एंड अन्य सब, इसमें 1700 वैकेंसी है, जहाँ निजी सहायक और सीख लेकर स्टेनोग्राफर में 153 वैकेंसी है। तो यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है, लगभग 18 पद नाम है जहाँ पास आपको आपको जो वैकेंसी में आपको पद मिलेंगे, ये 18 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि देखिए अब यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं कि देखिए हम एक ही डिपार्टमेंट मतलब जहाँ पास आपका पद नाम जैसे सहायक Grade 3 है तो सहायक Grade 3 का हम आपको बताएंगे कि वेतनमान कितना होगा और इसके शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, अलग अलग जगह की नहीं बताएंगे। जैसे भोपाल हो गया, भोपाल में भी सहायक ग्रेड की होगी, जबलपुर में भी सहायक ग्रेड की होगी, तो अलग अलग एक ही जगह हम बता रहे हैं। और वैकेंसी जो 37 है ना ये एक जगह की है, और भी वो अलग अलग जगह और भी वैकेंसी है, तो सिर्फ हम यहाँ पास ये बता रहे हैं कि यहाँ पास आपका वेतन मान सहायक ग्रेड के लिए कितना होगा, इसके लिए योग्यता क्या होगी। तो देखिए वेतन की बात करेंगे 19,500 से लेकर 62,000 तक ये आपका हो सकता है, ये नॉर्मल वेतन है, बेसिक इसको बोलते हैं, और इस पे भी 34% का DA लगेगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत अलाउंस जो मिलेंगे उसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात, सहायक Grade 3 की शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करेंगे, देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 होना चाहिए आपको। ठीक है, उत्तीर्ण एंड सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा, 1 वर्ष का आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड नंबर कहता है मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागत आयोजन कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण यानी कि CPCT यानी कि CPCT मांगा गया है, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पास 3 चीज मांगी गई है,
नेक्स्ट पे हम देखते हैं ये स्टेनोटाइपिस्ट की बात। चलिए स्टेनोटाइपिस्ट का भी जो ग्रेड पे है सेम है 19,500 से 62,000 के बीच में। ये योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता भी शायद सेम ही है। देखिए योग्यता में क्या है कि 10+2 है, देन न्यूनतम 1 वर्ष का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। थर्ड क्या कह रहा है कि आपको सीपीसीटी होना चाहिए, सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग होना चाहिए। चौथा देखिए इसमें जो स्टेनोटाइपिस्ट में एक चीज और मांगी है कि 80 जो है स्पीड आपकी 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए जब आपकी टाइपिंग ली जाएगी। तो यहाँ पास 4 है उसमें 3 मांगे गए थे। नेक्स्ट पे हम देखते हैं ये शीघ्र लेखक वर्ग 3 की, शीघ्र लेखक वर्ग 3 जो था इसका देखो वेतन में उससे बेस्ट है, काफी बेटर है, 28,700 का है आपका बेसिक जो है। और योग्यता की बात करेंगे 10+2 होना चाहिए। सेकंड कह रहा है कि न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा तो हर एक में लग रहा है, मांग रहा है 1 वर्षीय का न्यूनतम डिप्लोमा होना चाहिए और सीपीसीटी भी होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। चौथा मांगा है इसमें देखिए 100 शब्दों का शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। पहले वाले इससे पहले जो था उसमें 80 मांगा हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट में, इसमें शीघ्र लेखन में 100 मांगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं भर्ती निज सहायक। देखिए निज सहायक के लिए 36,000 का भाई 36,200 का ग्रेड पे है वैकेंसी, तो हालांकि इसमें एक ही है इस वाली जगह, बाकी और डिपार्टमेंट में और भी होंगी। तो यहाँ पर 36,200 का बेसिक है और इसकी योग्यता 10+2 होनी चाहिए, न्यूनतम 1 वर्षीय का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसीटी मांगा हुआ है, हर एक में मांगा हुआ है। ठीक है अभी ये नहीं पता कि ये टाइम दे रहा है सीपीसीटी के लिए कि नहीं दे रहा, इस चीज को आगे हम देख लेंगे। मान्यता प्राप्त संसद 100 शब्द, इसमें 100 की स्पीड होना चाहिए प्रति मिनट में वर्ड लिखने की। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक का जो वेतन है वो 19,500 से, और शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो माध्यमिक शिक्षा मंडल या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 के अंतर्गत विज्ञान सहित यानी कि साइंस, जब आप हायर सेकेंडरी कर रहे हो कि 12वीं जो होगा उसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर औषधि, डेटा एंट्री ऑपरेटर औषधि में इसका जो बेसिक पे है जो वेतनमान है वो हो जाएगा 19,500 से, मैट्रिक लेवल 4 है, योग्यता की बात करेंगे 10+2 होना चाहिए, यही 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए तथा आपका सीपीसीटी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण, सीपीसीटी में हिंदी अंग्रेजी दोनों का टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है टाइपिंग प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर औषधि प्रयोगशाला, इसका जो वेतन मान होगा 19,500 से है 62,000 तक है, और ये योग्यता की, इसकी भी योग्यता की बात करेंगे। देखिए हाई सेकेंडरी 10+2, न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा, ये तो सारे में मांगा गया है। थर्ड नंबर है देखिए सीपीसीटी भी 3, देखो ये 3 चीजें आपका हर एक में है, लास्ट का थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है अलग अलग, अगर अलग अलग जो है पदनाम पे अलग अलग पोस्ट पे अगर बोल रहे हम तो। ठीक है देखिए ये आईटी ऑपरेटर के कुल 33 पद हैं, 33 पदों पे मत जाइए क्योंकि हर एक जगह अलग चेंज हो जाएगा। आईटी ऑपरेटर इसके लिए देखिए वेतन मान जो होगा ये है 25,000 से 300, 25,300 से 80,000 तक है। ठीक है 7वां वेतन इसमें लगा हुआ है। देन शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता इसके लिए देख लीजिए हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2, पुरानी पद्धति से मान लो 10 बोल दिया जाएगा, पुरानी पद्धति से मतलब 10+2 होना चाहिए। और देखिए मान्यता प्राप्त किसी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसने मांग लिया। ठीक है इसके साथ अथवा भी, यदि आपके पास ये नहीं है तो अथवा भी इसने कहा है, यदि आपके पास 10+2 होना चाहिए, देन कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा तथा राज्य अथवा केंद्रीय सरकार संगठन में नेटवर्क तथा इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने का 3 वर्षीय अनुभव। ठीक है यदि आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा नहीं है तो 10+2 होना चाहिए तथा किसी संस्था 1 साल का डिप्लोमा हो, और इसके साथ आपका केंद्रीय सरकार संगठन के में नेटवर्क तथा इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस 3 साल का। देन इसी के साथ अथवा वाले के साथ ही है, अथवा होगा सॉरी ये नेक्स्ट सेकंड मांगा हुआ है इसमें कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक, ये दिया हुआ है परिपत्र क्रमांक, इसके अंतर्गत 2015 के विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाण यानी कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड मांगा गया है।
सीपीसीटी तो हर मांगा हर एक में मांगा गया, देखिए वन और ये टू हो गया, यानी कि दो इनमें यानी कि दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, अगर ऊपर वाला नहीं तो ये वाला काम आ जाता, लेकिन ये दूसरा वाला तो जरूरी ही है, सीपीसीटी हर एक में मांगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है सीधी भर्ती फोटो कला शिक्षक की बात कर रहा, इसमें आपका वेतन मान 25,380,500 है। देन अगर इसकी बात के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, 10+2 पद्धति होनी चाहिए, यानी 12वीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ सेकंड नंबर में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा, तथा देखिए थर्ड नंबर दिया हुआ हिंदी में, हिंदी का पर्याप्त, ये तो सभी के पास होता है, पर सेकंड नंबर आपको होना चाहिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट के लिए, ये सहायक संचालक सॉरी संचार सहायक ग्रेड थ्री, संचार सहायक ग्रेड थ्री में वेतन मान 25,300 है। देन इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2, न्यूनतम एक वर्ष का डिप्लोमा, सीपीसीटी हिंदी, हिंदी में मांगा सीपीसीटी के जो उसका प्रमाण पत्र हिंदी टाइपिंग का होना चाहिए, बस इतना ही है। नेक्स्ट की बात करेंगे म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट, देखिए म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट या म्यूजियम सहायक के लिए, इसके लिए जो वेतन मान देगा ये 19,500 से होगा स्टार्ट होगा। एंड शिक्षक की बात योग्यता की बात करेंगे तो ये देखो 10+2 है अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या म्यूजिक कीपिंग, म्यूजियम कीपिंग में पात्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। इसमें या अथवा अथवा अच्छा ये अथवा बोला, देखिए 10+2 होना चाहिए अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण एवं पदोपाधि पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से ललित कला में कोई पात्रोपाधि होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डिपार्टमेंट देख सकते हैं, हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो सारे डिपार्टमेंट को तो बता नहीं पाएगा, लेकिन जितने भी डिपार्टमेंट को बता दे रहे हो उतना ही काफी है, तो देख लीजिएगा। देखिए इसका भी वेतन मान दिया 19,500 से 62,000 तक, सातवां वेतन लागू है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 10+2, न्यूनतम एक वर्षीय का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसीटी हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, बस। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि सीपीसीटी अभी जरूरी है यानी कि अभी तक कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपको टाइम देने वाला है कि 2 साल, जैसे पटवारी में टाइम दे दिया 3 साल का, शायद टाइम दे दिए 3 साल तक आप उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज की डिटेल दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो को लाइक और शेयर, और हमारे चैनल के जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबाइए कि जो भी हम अपडेट कर रहे हैं वीडियो डाल रहे हैं आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए, थैंक यू।